इस बार आप करने जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट प्लान, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड, या फिर फैमिली के साथ, कोई भी ओकेजन हो, अगर आपकी शाम के साथ ऐड हो जाए लाइव म्यूजिक ना, तो बस उस वो शाम तो ना रंगीन हो जाती है। तो आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ किसी बॉयज़ के बैंड के साथ नहीं, पर एक गर्ल्स बैंड के साथ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बैंड एक्चुअली बना कैसे। हाय, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैंड बना कैसे और आपने कब सोचा कि ये बैंड बनना चाहिए। बना ऐसे कि हमारी पार्टनर जो हैं प्रीति दी, इनके दिमाग में ये आइडिया आया एंड देन शी वेंट टू परम सर। ये आइडिया गया उनके पास और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग, उनको ये आइडिया लगा तो हम तीनों की मुलाकात हुई। उसके बाद ये अब करीबन 9 महीने हो गए हम लोगों को साथ में। सो वी आर प्रैक्टिसिंग, रिहर्सिंग एंड इट्स बीन 5 मंथ्स वी आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज लाइव और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑफकोर्स ऑल गर्ल्स बैंड तो आया नहीं है अब तक, आया था तो वो लोग इतना समय तक चल नहीं पाए, बट हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इसको स्टेबल कर सकें और ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नाम कर सकें। दैट्स इट। तो ये आपने जो बैंड फॉर्म किया, तो आप जैसे कि आप सब सेम प्लेस से हैं? ऑल ओवर सर। हाँ, दिल्ली। हम सारे दिल्ली से ही हैं। सो तो आप मिले कैसे सारे? मिलना बस ऐसे हुआ कि जब सोचा कि ऑल गर्ल बैंड बनाना है तो ऐसी आवाज़ें जो एक साथ बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करें, तो खोज शुरू हुई, बहुत लोगों से मिली मैं और परम जी के साथ, और फिर जहाँ इतने सारे लोगों से मिल रही थी, पता लगा कि मेरे भाई से ही एक कॉन्टैक्ट मिला जो कि रेशमा थी, वो सेम स्कूल म्यूज़िक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से रेशमा का पता लगा, प्लस शालू जिनके फादर को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन, उनके थ्रू उन्होंने बोला कि मेरी बेटी गाती हैं, क्या आप उनको ट्राई करना चाहेंगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं, आई मीन इफ़ शी इज़ अ गुड सिंगर वाई नॉट। और जब तीनों ने एक साथ गाया तो इट वॉज़ जस्ट प्योर मैजिक, सो दैट्स हाउ इट। तो अभी तक आप कितने जो हैं शोज़ कर चुके हैं और क्या कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपका? रिस्पॉन्स सुपर्ब रहा है अभी तक, क्योंकि काफ़ी जगह शोज़ करें और स्पेशली जब उनको लगता है एक गर्ल बैंड, ऑल गर्ल बैंड, सुंदर लड़कियां स्टेज पे गाना अच्छा गा रही हैं, तो रिस्पॉन्स एक अलग टाइप का होता है और बहुत एंथुजियाज्म दिखता है लोगों में एंड खुशी दिखती है। रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। जहां पे 300 लोगों का गैदरिंग एक्सपेक्टेड था, वहाँ पर 700 लोग टर्न आउट कर जाएँ, तो फीलिंग तो अच्छी हो। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं वो गर्ल फैक्टर का कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ। तो अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं कि हमें और आगे क्या करना है? बहुत सारे शोज लाइनअप हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छे स्केल के स्टैंडर्ड के हिसाब से वी शुड गो फॉर एन इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स जो कि बहुत बड़े लेवल पर हो। मोर ओवर अगर हमें मौका मिलता है, बहुत अच्छी ऑडियंस जो हमें सुनती है, जो म्यूजिक को समझती है, वो भी हमें ऑडियंस चाहिए कि वो हमारे टैलेंट को देखें और प्रेज़ करें। और नो डाउट हम तीनों ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, मतलब आप अपने आप में बहुत खुश हैं कि जो भी है, हमारे में कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम वी सिंग ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, हर जॉनर के गाने गाते हैं। हम मेल सॉन्ग्स बहुत शौक से गाते हैं क्योंकि हमारे इसमें एक कमी नहीं रहती है एक मेल आवाज़ की, क्योंकि हम मेल सॉन्ग्स गाते हैं, सूफी सॉन्ग्स गाते हैं, गज़ल्स गाते हैं, पुराने नंबर्स ब्लैक एंड वाइट एरा से गाते हैं, तो कोई कमी एज सच नहीं है, क्योंकि हम एक हर एक गाने को अपना बना के एक नई चीज़ डाल के उसमें तो पेश करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे आजकल जो ये यू नो गाइज़ के जो बैंड्स हैं बहुत ज़्यादा इन हैं और मतलब गर्ल्स के बैंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको वो कंपटीशन या कुछ वो होता है कि नहीं हमें नहीं मिलेगी वो यू नो चीज़? एक्चुअली उनको हमसे कंपटीशन फील होता है क्योंकि हम तो उनके सारे गाने गाते हैं, वो हमारे गाने नहीं गा सकते। अच्छा, हैव यू एवर बीन टू पंजाब और कभी परफॉर्म किया आपने? पंजाब में अब हमारे शोज़ नवंबर में लाइंड अप हैं, तो वो हमारी पहली शोज़ होंगे पंजाब में, अब शुरुआत ही है। अच्छा। अभी तक दिल्ली में ही शोज़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे जैसे अब बैंड्स होते हैं वो रियलिटी शोज़ बहुत ज़्यादा यू नो प्रेफर करते हैं कि रियलिटी शो से शायद वो फेम मिल जाए, और वो तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली जिस लेवल पर हमने अपनी शुरुआत करी है परम जी के सपोर्ट से, उस लेवल पर हमें रियलिटी शोज़ सीम वेरी स्मॉल, तो हम ऑलरेडी उस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं जहाँ पे एक रियलिटी शो का अल्टीमेट गोल होता है, तो आई डोंट थिंक वी नीड अ रियलिटी शो टू
बी एबल टू शो आर टैलेंट. वी हैव ऑलरेडी यू नो ऑन दैट पाथ विदाउट अ रियलिटी शो. अच्छा, तो फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब रियलिटी शोज की बात हो रही है, अब फेस्टिवल्स भी गए हैं अभी रिसेंटली, तो आपने वहाँ पे परफॉर्म किया और कितना इन्जॉय किया, लोगों को क्या मतलब आपका रिस्पॉन्स मिला? हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. हम एक्सपेक्टेड जितना नहीं था उससे ज़्यादा, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा. बहुत लोगों को बहुत पसंद आया और जब हम जा भी रहे थे तब भी उनसे ये रिस्पॉन्स मिला कि वंस मोर, और हमने उनके लिए परफॉर्म भी किया. सो बहुत अच्छा लगा. जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो यू नो प्रॉपर प्रैक्टिस होती है क्या, थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाती है? खूब मस्ती होती है, मस्ती के साथ ही होता है और पता ही नहीं चलता टाइम का. 6-7 घंटे वी जस्ट ईट टुगेदर, गाते रहते, खाते रहते हैं, पीते रहते. वी थिंक ऑफ न्यू सॉन्ग्स, हम उसमें क्या कर सकते हैं. अच्छा, सीरियस भी हो जाते हैं कई बार, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फन ही फन चलता रहे, आना चाहिए. अच्छा ठीक है, तो अब ये तो रही आपकी ये बात. तो अब जैसे इंडिया का सिनेरियो, यू नो कहीं ना कहीं वो जो फीमेल को लेके होता है कि नहीं ये फीमेल्स हैं, तो आपकी फैमिलीज उतनी सपोर्टिव रही थी आपके लिए? इस मामले में हम तीनों ही बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लोग हमारे इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वो हमें छोड़ते हैं कि बेटा आपको जो करना है आप करो. सो दैट्स व्हाई वी आर सपोर्ट पूरा है. म्यूजिकल बैकग्राउंड है, जहाँ नहीं है वहाँ पर भी रेशमा के पेरेंट्स दे आर कोऑपरेटिंग अ लॉट एंड उनको इसको पुश कर रहे हैं कि नहीं रेशमा यू कैन डू इट एंड डू इट. सो शी हैज़ अ टैलेंट, तो ये डिजर्व करती है. एंड वी बोथ आर फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड, तो उनको इस बारे में पूरा नॉलेज है, पता है. सो देयर इज नो. तो ये जुगलबंदियाँ नाम आपने कैसे रखा? एक्चुअली हम तीनों के जॉनर्स इतने अलग से रहे हैं क्योंकि मैं रेट्रो पुराने गाने एंड सूफी रेशमा का और इसके वेस्टर्न, तो सोचा कि एक जुगलबंदी ही करनी है हम तीनों को अपने स्टाइल्स की. म्यूजिक के साथ खेलना ही जुगलबंदी, मतलब जुगलबंदी है एक तरह की, जुगल कहा जाता है. तो तीन लड़कियां हैं तो फिर हमने सोचा जुगलबंदियाँ क्यों ना रखें, तो तीन लड़कियों को भी दर्शाता है प्लस हमारा जो बैंड का जो एसेंस है वो भी उस गाने में है. तो आगे आप अपना बॉलीवुड में कुछ ट्राई करेंगे? डेफिनेटली आई एम श्योर, हम तीनों जिस तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई एम श्योर सून यू विल सी अस इन अ बॉलीवुड मूवी. तो देखा आपने कि ये जुगलबंदियाँ जो गर्ल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी म्यूज़िक के लिए और इन्होंने कहा है कि आपको सून बॉलीवुड में भी नज़र आ सकती हैं. तो आप कीजिए इनका इंतज़ार और करते रहिए ऐसी बंदियों को सपोर्ट भी. कैमरामैन अमनदीप के साथ प्रभजोत कौर, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.